हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट टेन एंड द चैप्टर दैट इज़ सेकंड चैप्टर एंड द चैप्टर इज़ सोशल वर्क विद फैमिली सो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सोशल वर्कर होते हैं और सोशल वर्क किस किस प्रकार से फैमिली के साथ किया जाता है किस प्रकार से सोशल वर्कर इंटरवीन करते हैं ताकि जो फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाया जा सके और एक अच्छी हैप्पली लाइफ जी सकें सो so, उन सभी को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंड सो so, लेट स्टार्ट सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो so, सबसे पहले फैमिली क्या होती है वर्ट इज़ फैमिली डिफिन ऑफ फैमिली एंड द फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस होते हैं फैमिली के और डिफरेंट टाइप की जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं शादी उसके बाद बच्चे पैदा होना उनको उनकी रेयरिंग करना उनकी केयरिंग करना उनको पढ़ाना लिखाना ये सभी सभी जो भी स्टेजेस होती हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे फैमिली पैटर्न क्या है फैमिली डायनेमिक्स क्या क्या होती हैं क्या क्या है? उनके फंक्शंस होते हैं

एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में कि ये सोशल वर्कर जो होते हैं किस प्रकार से इंटरवीन करते हैं फैमिली में और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी उनको अंडस्टैंड करते हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप के माध्यम से तो ये सभी के सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो लैड स्टार सोशल वर्कर सोशल वर्क विथ फैमिली फैमिली में किस प्रकार से सोशल वर्क होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं सो चाइल्ड एंड फैमिली सोशल वर्कर्स एसस्ट पेरेंट्स जो सोशल वर्कर बेसिकली चाइल्ड और फैमिली से आ, फैमिली में इंटरवीन करते हैं और इसमें वो एक्सपर्ट होते हैं दो बेसिकली क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स जो गार्जियन हैं या जो बच्चे हैं उनको इंटे, उनको असिस्ट करते हैं ताकि वो एक अच्छी एक खुशमयी ज़िंदगी एक, एक हैप्पी लाइफ जी सकें और वो फैमिली के साथ वर्क करते हैं साथ में और उनकी जो समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो फिज़िकल इलनेस है उसको डील करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और जो भी वो मदद करते हैं पेरेंट्स की बच्चों की ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो उनसे खुद कोप अप कर पाएँ और अपनी लाइफ को इम्प्रेस कर पाएँ तो ये बेसिकली जो सोशल वर्क होता है फैमिली में इस प्रकार से इंटरव्यू करता है उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिकली फैमिली होता क्या है बिकॉज पूरे चैप्टर में फैमिली के बारे में बताया गया है तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैमिली सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली सो बेसिकली फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी जैसे कि एक सोसाइटी है फॉर एग्जाम्पल सो दिस इज द सोसाइटी एंड द फैमिली इज अ स्मॉल पार्ट स्मॉल यूनिट ऑफ द सोसाइटी एंड दिस फैमिली कंसिस्ट पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन विच इज कनेक्टेड वाई द ब्लड रिलेशन और द मैरिज लाइक जैसे मैरिज से जो कपल होते हैं वो मैरिड मैरिज के माध्यम से जुड़े होते हैं और जो ब्लड के माध्यम से जुड़े होते हैं वो होते हैं बच्चे अपने पेरेंट के साथ तो ये सभी के सभी एक फैमिली बनाते हैं जिसमें पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं तो ये बेसिकली एक हिस्सा होता है हमारी सोसाइटी का एक छोटा सा इसको बोलते हैं फैमिली तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई बट यहाँ पर कुछ थिंकर हैं उनके द्वारा फैमिली की डेफिनेशन दी गई है सो so, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप बुरगेश और लौकी के द्वारा फैमिली uh, को डिफ़ाइन किया गया उन्होंने बताया कि बेसिकली जो फैमिली है एक ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब बहुत सारे कुछ लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और उनके बीच में संबंध होते हैं या तो शादी के माध्यम से जैसे कि हस्बैंड वाइफ या ब्लड ब्लड रिलेशन या एडोपसन जैसे कि बच्चे ये उस और कंसिस्टिंग या सिंगल हाउस होल्ड एक ही घर में रहते हैं और इंट्रैक्ट करते हैं बातचीत कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से और एक सोशल संबंध सोशल रोल बनाते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ फादर मदर सन डॉटर सभी के सभी ये सभी इसमें इंटरकम्युनिकेट करते हैं इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से और ये बेसिकली एक फैमिली बनाते हैं उनके बीच में एक कॉमन कल्चर क्रिएट होता है इसको बोलते हैं फैमिली ये बोगस और लौकी के द्वारा बोला गया था और नेक्स्ट ये मैकाइवर पेज के द्वारा इसको डिफाइन किया गया फैमिली को और उन्होंने बताया कि फैमिली बेसिकली एक सेक्चुअल रिलेशन सेक्स रिलेशन से बनती है जिसमें सफिशेंटली प्रिसाइज इन डोरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोकेशन अप्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रंस इसमें बच्चे बच्चे पैदा करना उनकी देखभाल करना ये बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहता है और एक सेक्स रिलेशन के माध्यम से एक फैमिली बनती है तो ये मैकाईबर और पेज के द्वारा बोला गया था तो, तो ये दो इम्पोर्टेंट इन थिंकर के द्वारा जो डिफाइन किया गया था फैमिली को इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग फंक्शंस ऑफ फैमिली जब फैमिली बन गई है और फैमिली को डिफाइन कर लिया कि फैमिली बेसिकली होती क्या है कि ये पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं उनके बीच संबंध होता है एक सोशल रिलेशन होता है और ये बेसिकली जो यूनिट है ये हमारे समाज की हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा होती है इसको ही फैमिली बोला जाता है और हम जानेंगे कि इनके बीच में जब एक दूसरे इंट्रेक्ट करते हैं तो क्या इनकी फंक्शनिंग होती है ये जो फैमिली होती है किस प्रकार से वर्क करती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं जो फैमिली लाइफ है बेसिकली एक प्रोवाइड करती है हमको एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर वेल्थ कमाना वेल्थ को जनरेट करना उसको मेंटेन करना ठीक है और फूड सेल्टर ये सभी की सभी जो बेसिक नीड होती हैं वो वहाँ पर पूरी हो जाती हैं और केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बच्चों को नॉन मेरिटल जिसोर्सेज होते हैं वो सभी के सभी अवेलेबल रहते हैं फैमिली के फैमिली के अंदर अब हम देखते हैं कुछ बेसिक जो फंक्शन होते हैं फैमिली के क्या क्या फंक्शनस हैं जैसे कि फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं फैमिली में उनको शिक्षा देना एंड मेकिंग हिम हर कैपेबल ऑफ़ अटेंडिंग दी ब्राइट फ्यूचर और उनका फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ये सभी के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है फैमिली का और बेसिकली ये इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में जो फैमिली है बेसिकली एक बेसिक डिवीज़न करती है लेबर का जैसे कि फैमिली में चार लोग हैं तो सबका अपना अपना काम होता है वो अपना अपना काम करते हैं तो उनके बीच में जो डिवीजन होता है लेबर का डिवीजन हो जाता है तो जित जितने भी मेम्बर उनकी ड्यूटी होती हैं अपलिकेशनस होते हैं जिम्मेदारियाँ होती हैं एक दूसरे के प्रति तो ये बेसिकली बोल सकते हैं वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर सभी लोग के जो दायित्व होता है वो अपना निभाते हैं फैमिली में और फैमिली इंश्योर द इंडिविजुअल हैज द होम और ये भी दर्शाता है कि जैसे चार लोग हैं तो चारों लोग उनके उनके पास एक आइडेंटिटी होती है कि उनका घर है एक सभी के पास एक इंडिविजुअल होम होने की जो आइडेंट इंश्योरिटी होती है वो फैमिली के द्वारा की जाती है और सोशल रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच में और फॉर द फैमिली इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स जहाँ पर चार लोग रहेंगे तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाते हैं सामाजिक उनके बीच में भावनाएं स्ट्रेंथ इमोशंस साइकोलॉजिकल जो पावर होते हैं वो सभी की उनके बीच में स्टेपलेस हो जाती हैं तो जो भी समस्याएं होती हैं फैमिली में उनको वो अच्छे से मिलजुल कर रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है इमोशनली और ये सभी के सभी और नेक्स्ट देखते हैं कल्चर डिफ्यूज़न फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर डिफ्यूजन में बेसिकली कल्चर क्या होता है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ठीक है तो जो बच्चे होते हैं वो लर्न करते हैं डिफरेंट टाइप के जो कल्चर होते हैं फैमिली में और जब शादी के बाद वो जब दो फैमिली होती हैं तो दो, दो, मिलकर आगे उनके जो वैल्यूज़ होती हैं जो आ, वो जो कल्चर होता है उसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बेसिकली कल्चर डिफ्यूज़न होता है इससे और पर्सन गेट आइडेंटिटी फ्रॉम फैमिली एंडिल जैसे कि कोई बच्चा है उसकी उम्र कम है या उसने अपनी आ, समाज में एक एक हायर आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाया है जिस बच्चा होता है तो उसको एक आइडेंटिटी मिलती है कि वो किस घर का है या तो उसको बोल सकते हैं तो ये बोलते हैं अ पर्सन गेट आइडेंटिटी फ्रॉम फैमिली जब तक उसको एक अच्छा ही और सी नॉट एबल टू विल्ड द हायर आइडेंटिटी इन सोसाइटी नेक्स्ट फैमिली लेजटमाइज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन फैमिली होगी तो वहाँ पर शादी होती है उसके बाद और तो यहाँ पर एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है फैमिली का और फैमिली इज अट थ्रो विच प्रोक्रिएशन टेक प्लेस मैरिज सैक्शन सेक्चुअल रिलेशन एंड रजिस्टर्बल द फैमिली इससे ही इस फैमिली बनती है और एक उनमें एक जो फैमिली में इकोनमिक फैमिली की जो इकोनमक कंडीशन होती है वो भी फैमिली के द्वारा इंश्योर की जाती है फैमिली के हर एक मेंबर को ताकि उनकी देखभाल की जा सके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे फैमिली के आप इनको देख लीजिए अच्छे अच्छे से और एग्जाम में इनमें से आ सकता है चार ऑप्शन दे करके अब हम अंडरस्टैंड स्टैंड करेंगे जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं फैमिली की उसको अंडरस्टैंड करते हैं सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फैमिली इसको सिंपल बर्ड में अगर हम बात करें कोई भी परिवार होता है उसमें दो लोग होते हैं वो शादी करते हैं तो उनके बच्चे होते हैं ओके जब बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करनी होती है उनको ग्रो करना होता है फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वो पढ़ने जाते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं फिर उनकी शादी होती है फिर वो अपना सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट्स से उसके बाद धीरे धीरे फिर जो पेरेंट्स होते हैं बूढ़े हो जाते हैं फिर वो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और यही यही जो प्रोसेस है बेसिकली यही जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इसी को पढ़ेंगे हम लोग इस इस हेडिंग में डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फैमिली में तो क्या होगा इसमें कुछ डिस्टिंग स्टेजेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं तीन स्टेज में ताकि इसको आ, समझने में आसानी होगी सो so, जैसे कि अर्ली स्टेज मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज अर्ली स्टेज में अगर हम बात करें तो कपलिंग एंड बिकमिंग थ्री एंड मोर इसको सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें कपलिंग का मतलब होता है कि जिसमें टू इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपोजिट सेक्स में वो शादी करते हैं और दूसरे, एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को एक टीम की भांति से फैमिली में एक परिवार में रहते हैं एक परिवार बनाते हैं एक दूसरे पर लाइक करते हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा केयर करना मनी अर्निंग करना ये सभी की सभी आती हैं कपलिंग में उसके बाद आता है बेकमिंग थ्री एंड मोर इसका मतलब है कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो उनके दो या दो से अधिक बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद अगर हम इसमें अंडरस्टैंड करें तो ये बेसिकली फैमिली डेवलपमेंट स्टेज होती है इसको बोल सकते हैं बच्चों के जन्म के बाद बच जो पेरेंट्स होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और जो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन होते हैं फैमिली की उसको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं बच्चों की जो बांट्स होती हैं उसको पूरी करना तो ये और साथ ही साथ ये बेसिकली आता है इसमें सेकेंड बिकिंग थ्री एंड मोर स्टेज में नेक्स्ट मिडिल स्टेज मिडिल स्टेज फैमिली सेपरेशन प्रोसेस होता है ये क्या है इसमें क्या होता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं अर्थात वो स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो वो घर से दूर चले जाते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा बाहर होती है इसमें इसी इसी स्टेज में जो पेरेंट्स होते हैं मेच्योर हो जाते हैं बिकॉज वो अपने बच्चों की केयर केयर उनकी केयर करना प्रोटेक्शन करना उनको पैसे का अरेंजमेंट करना उनके एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना ये सभी सभी चीज़ें इसमें उनकी जो अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए बच्चों को बच्चों की लाइफ अच्छी लाइफ स्टाइल को इंश्योर करना तो इस स्टेज में जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं उनके जो वैल्यू सिस्टम होता है फैमिली को उसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं उसको और धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं अपने पढ़ने लिखने के बाद वो एक अपने 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 ऊपर निर्भर हो जाते हैं खुद जॉब करने लगते हैं उसके बाद धीरे धीरे ये बेसिकली जो स्टेज है जैसे जैसे बोलते हैं फैमिली सेपरेशन स्टेज नेक्स्ट है लास्ट स्टेज फिनिशिंग स्टेज इसमें क्या होता है बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं बूढ़े होने लगते हैं तो एक उनकी रिटायरमेंट स्टेज आ जाती है और जो बच्चे उनकी उम्र जो साठ से लेकर पैंसठ हो जाती है और वो पेरेंट्स बेसिकली बच्चों पे डिपेंड होने लगते हैं और फॉर देयर केयर एंड दी लाइवलीहुड और डिक्लाइन ऑफ दिस स्टेज स्टार्ट विद द डेथ ऑफ उनमें से अगर जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक खत्म हो जाता है और इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहता है तो ये बेसिकली लास्ट स्टेज कहलाता है इसको बोलते हैं फिनिशिंग स्टेज तो ये बेसिकली डेवलपमेंट स्टेज देती थी फैमिली की किस प्रकार से फैमिली चलती है नाउ लेट अंडरस्टैंड दी फैमिली पैटर्न सो वट इज़ फैमिली पैटर्न फैमिली पैटर्न सो लेट अंडरस्टैंड दैटर्न पैटर्न बेसिकली क्या होता है पैटर्न एक किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पैटर्न कहलाता है एक तरीका होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली पैटर्न तो फैमिली का अगर एक उनको ऑर्गेनाइज करेंगे एक तरीके में उसको बोलेंगे फैमिली पैटर्न जैसे कि डिफरेंट दो टाइप के पैटर्न होते हैं एक ज्वाइंट होता है जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली सो तो दोनों के दोनों पैटर्न हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका बेसिकली नेचर थोड़ा सा डायनेमिक होता है फैमिली पैटर्न का बिकॉज ये प्लेस टू तो प्लेस चेंज होता रहता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक सिस्टम सो दे दीज आर दन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली पैटर्न और अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो हिस्टोरिकली इंडिया का जो फैमिली पैटर्न था जॉइंट फैमिली पैटर्न था जहाँ पर तीन से लेकर चार पैटर्नकल जनरेशन साथ में रहती थी और दे दे लिव टुगेदर वन अंडर द वन रूफ एंड वर्किंग टुगेदर बर्सपिंग टुगेदर ईटिंग टुगेदर एंड कॉपरेशन टुगेदर और फॉर द बेनिफिशियल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी सब लोग साथ में रहते थे सभी उनकी सबकी अलग अलग रिस्पॉसिबिलिटी थी लाइबिलिटी थी परफॉर्म करते थे और साथ में रहते थे जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर देख में ये बेसिकली इंडियन ट्रेडिशन जो जॉइंट फैमिली पैटर्न है और उसके बाद अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए वेस्टर्न इन्फ्लुंस हुआ दुनिया में धीरे धीरे इंडिया में भी इंडिया में भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो ब्रेकअप हुआ किसमें न्यूक्लियर फैमिली में यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली के इसमें पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं यही जो ये बेसिकली एक न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल है और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में काफ़ी इसमें बढ़ रहा है इसका ट्रेंड है अब हम देखते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं तो मल्टी प्रॉब्लम होती हैं जैसे कि पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना है या पेरेंट्स या बच्चों के बीच में जैसे बच्चे बड़े होते हैं एडोलसेंट एज में आते हैं तो उनके माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा होने लगता है बच्चों को आपस में जैसे कि भाई बहन है दो या है, दो से अधिक बच्चे फैमिली में हैं तो घर में है तो उनके बीच में लड़ाई होना पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होना आती है मल्टी फेस्ट प्रॉब्लम होती है और कुछ इवेंट की वजह से कुछ समस्याएं हो जाती हैं फैमिली में फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाना फैमिली में या सडन आ, किसी की जॉब चली जाना, ये, स, ये जो अचानक से जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से भी फैमिली में समस्याएं उत्पन्न होती हैं डेवलप होती हैं सो तो, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हैं और जैसा कि हम जानते हैं अगर एक फैमिली है और सभी के सभी लोग साथ में रहते हैं उनके बीच में सामाजिक संबंध होते हैं फैमिली में तो उनमें से किसी एक मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस फैमिली के सभी के सभी मेंबर अफेक्टेड होते हैं और द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द मेंबर इंटायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटायर फैमिली और एक जो कोई मेंबर है फैमिली का अगर उसको कोई समस्या है उसको हेल्प करने के लिए पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है और ये बेसिकली ये मैन इसका फैक्टर होता है फैमिली का बात करें जब फैमिली की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए तो कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम बच्चों के द्वारा फीस की फेस की जाती है फैमिली सिस्टम में उसको देखते हैं क्या क्या समस्याएं बच्चों के द्वारा फ़ेस की जाती हैं क्या क्या समस्याएं पेरेंट्स के द्वारा फ़ेस की जाती हैं उनको सभी को एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम फेस बाय दी चिल्ड्रन इन दी फैमिली सिस्टम फैमिली में परिवार में जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी समस्याएँ uh, फ़ेस की जाती हैं प्रॉब्लम्स दे सफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेस सो लाइक दे लॉस दे लॉस देयर इंडिविजुअलिटी बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं कभी कभी समटाइम्स दे दे बिकम एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एंड इन्वॉल्विंग नेचर तो इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो लॉस होने लगती है खुद वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाते ख़ुद कुछ ना कुछ करने के लिए पेरेंट्स से बार बार पूछना पड़ता है बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड सम पेरेंट आर शो भी तो उनकी जो बच्चों की लाइफ होती है दे फील नेगलेक्टेड एंड इसकी वजह से उनको बच्चे लॉन्डिलेंस फील करते हैं एक्स्ट्रा वैकेंट हो जाते हैं तो ये बेसिकली की इसकी वजह से होता है जब जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी लाइफ में बच्चों को टाइम नहीं देते हैं तो और समटाइम्स जो पेरेंट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों में जैसे कि कोई एक गर्ल है और एक बॉय है तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना ये सभी सभी चीज़ों की वजह से जो बच्चे होते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं फेवरेटिजम एंड कंपैरिजन में लीड टू द दी लोस्ट्रीम ऑफ चिल्ड्रंस जैसे कि दो बच्चे हैं उनमें से एक पढ़ने में होशियार है कोई तो उसको ज़्यादा फेवर करना और दूसरे को डिमोरलाइज करना कि तुमको कुछ नहीं आता है तुम पढ़ते नहीं हो इसकी इन सभी, सभी कंपेयर करना एक का फेवर करना तो ये सभी वजह से जो बच्चे होते हैं उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके अलावा बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन होना परमिसिव होना मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन आथा, का मतलब होता है कि उनकी जो ऑटोनमी होती है ख़त्म हो जाती है बच्चों की इंडिपेंडेंस का मतलब ख़त्म हो जाती है वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते कुछ और खुद कच बार कुछ करने के लिए पेरेंट्स से पूछना पड़ता है बार बार और ये परमिसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इन इनडिसिप्लिन हो जाते हैं या लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल और ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं कभी कभी जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परमिसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनका ध्यान नहीं देते या फिर हर चीज़ में छूट देते हैं सम पेरेंट्स आर टू मच एम्बिसियस एंड हाईली डिमांडिंग कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनके ड्रीम्स होते हैं जो बच्चों पर थोप देते हैं कि आपको ये करना है आपको ये करना है बच्चों से अपने उन, उनके जो उनके एम्बीशन होते हैं वो बच्चों से कराए जाते हैं तो ये भी समस्याएं होती हैं जो बच्चों की तरफ फ़ेस की जाती हैं तो बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ बच्चों की तरफ फ़ेस की जाती हैं तो ऑफकोर्स कुछ समस्याएँ ऐसी भी होंगी जो कि पेरेंट्स के द्वारा फ़ेस की जाती हैं जैसे कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्टोबन हो जाते हैं डिस्टर्बिनेट हो जाते हैं अपने माँ बाप की बात बात नहीं मानते हैं तो बहुत सारे बहुत सारे ऐसे समय पर तो पेरेंट्स को जो माँ बाप होते हैं उनको बुरा लगता है वो भी जो पेरेंट्स होते हैं वो भी लोनली होपलेस फील करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो बच्चे उनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं और उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और रियल फैमिली जो रियल प्रॉब्लम होती है फैमिली की जब बच्चे एडोलॉसेंट एज में आते हैं तो उस समय पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते या उनके जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके उनके अंदर ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो जाती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट एंड सेक्चुअल फीलिंग्स क्रिएट होती हैं उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है एडोलोसेंट तो ये सभी जो मेन समस्याएँ जो मैन प्रॉब्लम होती हैं रियल प्रॉब्लम होती है फैमिली की ये जब स्टार्ट होती है जब बच्चे एडोलसेंट एज में जाते हैं ठीक है और चिल्ड्रंस व्हेन दे बिकम इंडिपेंडेंट और डिफरेंट उनके बीच में नए नए डिफरेंट टाइप की हॉबी डेवलप हो जाती है ये उनमें से जैसे कि कई हॉबी माँ बाप को अच्छी नहीं लगती पेरेंट्स को जैसे कि ड्रेसिंग स्टाइल या बहुत सारे तो समटाइम्स पेरेंट आई दर असेप्ट अडोप्ट देर चेंजेस तो फैमिली समटाइम्स गेट डिस्टर्बाइजेंट एडेंट रन अवे फ्रॉम देयर फैमिली जो बच्चे होते हैं जवान होते हैं तो उस टाइम पे कभी कभी घर से घर से चले जाते हैं गुस्से में ड्यू टू स्ट्रेस और इससे क्या होता है समाज में पेरेंट्स की जो सोसाइटी होती है उसमें उनकी रिस्पेक्ट का मजा कम होती है या उनको ऐसा लगता है तो ये बेसिकली अपने आप में एक समस्या है और एंड द एक्सट्रीम केसेस कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चे बिकम द विक्टिम ऑफ सबस्टेंसिस एब्यूज एंड एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स ये तो कॉमन ही है और ये पेरेंट्स और अगर बात करें जो जो पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय जो बच्चे होते हैं अपने जो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे कि पॉवर्टी की वजह से जैसे माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है उस समय या उनके बीच में रिलेशन ठीक नहीं होते हैं या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें कंडीशन काफ़ी फिथैटिक हो जाती है पेरेंट्स की और काफ़ी समस्याएँ वो फेस करते हैं अब हम देखते हैं कुछ समस्याएँ है जो कि इस पाउस के द्वारा फेस की जाती है फैमिली में सो नाउ वी वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय दी इस पाउस इन अ फैमिली इस पाउस के बीच में कुछ समस्याएं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जैसे कि बर्बल और फिजिकल अब्यूज़ इस पाउस के बीच में भी बर्बल फिजिकल अब्यूज होती है ये कॉमन है फैमिली में और उसकी वजह से कम्युनिकेशन और जो रिलेशन होते हैं वो टूट जाते हैं और समटाइम्स जैसे कि उनकी जो इंटरेस्ट है जो टेस्ट है बिलीफ है वैल्यूज हैं प्योरिटी है उनके बीच में डिफरेंसेस होता है होता है इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है फैमिली में आर्गूमेंट होने लगते हैं पेरेंट्स के बीच में इसकी वजह से बच्चे भी और जो फैमिली का इन्वामेंट होता है काफ़ी अफेक्ट होता है और जब जब इस के बीच में जब वो एक दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं तो उनके तो जो लव एंड कंसर्न जो बढ़ता जाता है ट्रस्ट कम होता जाता है उनको ऐसा जो लगता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है उनके बीच दूसरों से तब उनके बीच में लव रिस्पेक्ट कम हो जाता है और इसकी वजह से फैमिली में काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है अब हम देखते हैं फैमिली डायनेमिक्स फैमिली डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं सो नाउ लेट अंडरस्टैंड द फैमिली डायनेमिक्स फैमिली डायनेमिक्स क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं सो फैमिली डायनेमिक्स कैन रिफर टू द वे इन विच फैमिली मेम्बर रिलेट टू वन अंदर जो फैमिली मेम्बर हैं एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट करते हैं इससे इसके माध्यम से फैमिली डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है फैमिली जैसे कि फैमिली मेम्बर हैं वो डिफरेंट एक्सरसाइज में एक्सपीरियंस में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो जैसे कि यहाँ पर एक, आप फोटो देख सकते हैं जो डायनमिक्स से बेसिकली हम बात करें फैमिली में वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता नहीं रहता है क्योंकि जो फैमिली के लोग होते हैं उनका अलग अलग, अलग डायनेमिक्स होता है सब लोग अलग, अलग डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है और एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं सबका कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट टाइप का होता है किसी का ज़्यादा किसी का कम तो ये ये काफ़ी डायनेमिक होता है इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली मेम्बर इज एट द कोर ऑफ फैमिली ईच मेंबर मस्ट को एग्जिस्ट विद ईच अदर मैंबर मतलब फैमिली डायनेमिक्स तभी कंप्लीट होगा जब सभी के सभी मैंबर एक दूसरे के साथ उसमें को एगजिस्ट करेंगे एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कल्चर और द नंबर ऑफ द मेम्बर्स द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस एंड अदर एलिमेंट ऑल प्ले अ पार्ट ऑफ ओवरऑल सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सभी के सभी इन्वॉल्व रहते हैं उसको ही बोला जाता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज theoretical मॉडल ऑफ फैमिली फंक्शनिंग सो ये जो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें सभी के सभी जितने भी फंक्शनिंग फैमिली फंक्शनिंग के मॉडल है सभी को सभी अंडरस्टैंड करेंगे सो so, इस वीडियो में इतना ही सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे